पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कार्तिक, एक काम करो, तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं कल तुमसे ले लूंगी। नहीं युवी, इट्स ओके, मैं बाहर से टैक्सी ले लूंगा। ये तुम्हारा बैग। गुड नाइट। कार्तिक। हाँ युवी। हाँ युवी, क्या हुआ? कार्तिक। हाँ? I know, तुमने मुझे नील को हक करते हुए देखा तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं सच कह रही हूँ कार्तिक, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मेरे पाँव कांप रहे थे, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मैं कैसा महसूस कर रही थी। और जो भी हुआ ना, वो बस एक पल में, जब गुंडे चले गए उसके। कार्तिक, नील सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ नहीं। और कार्तिक, मैं सच कहूं तो मुझे ना बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा नील जैसा एक दोस्त बना है शहर में, क्योंकि अगर आज नील नहीं होता। आई नो युवी, आई नो, और इसीलिए मैंने नील को ना दिल से शुक्रिया अदा किया। मैं समझता हूँ वो सिर्फ एक मोमेंट था, इट्स ओके। वैसे सच कहूँ यू, मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी ना मेरी यूवी को मेरी, तो वहां नील पहुंच गया। कार्तिक। नहीं नहीं, इट्स ओके। But I'm glad that you're safe. That's what matters. अब यहाँ क्या खड़ी हो? अंदर जाओ। आंटी भी परेशान हो रही होंगी। Don't worry, टैक्सी ले लूंगा। किसी की एक कमजोर नब्ज होती है, और युविका, तुम्हारी यही कमजोर नब्ज कार्तिक है। मतलब कार्तिक को दबाऊंगी तो तुम्हें दर्द होगा तो तुम टूटोगी, और तुम जितना टूटोगी उतना ही डालेंगे मुझे मजा आएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से जाना। हाँ कार्तिक। हेलो आंटी, आपको कुछ बताना था। वो आज युविका का किडनैप हो गया था।
कपड़े बदल ले, फ्रेश हो जा। आप अपसेट नहीं हो मुझसे? मैं अपसेट तो बहुत हूं बेटा, लेकिन तुझसे नहीं। तू मेरी बहुत बहादुर बच्ची है युविका, तू बहुत हिम्मत वाली है और मुझे तेरे हर फैसले पर यकीन है। दादा बाबू, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कल फीनिक्स के अंदर मेरी बेटी पर हमला हुआ है और आज बाहर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई है जो युविका को अपनी जिम्मेदारी पूरा करने से रोकना चाहता है। मेरी बेटी को जान का खतरा है। एक दो घंटे पहले ईशा और अर्जुन उसके साथ थे। जब वो बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब युविका बाहर निकलती है अपना काम खत्म करके, रेस्टोरेंट बंद करके, तो सिक्योरिटी गायब है। आप मुझे बताइए, ये क्या ठीक है? क्या ये है एक महाजन परिवार की बेटी की सुरक्षा? मुझे पूरा यकीन है कोई मेरी बेटी के पीछे है। अगर नील वहां ठीक समय पर युविका की मदद के लिए नहीं पहुंचता तो आज युविका के साथ कुछ भी हो सकता था। नील, विदुर का बेटा? हाँ दादा बाबू, युविका की मदद नील ने की है। आज अगर नील वहां नहीं होता तो पता नहीं। दादा बाबू, उन गुंडों को पकड़वाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, क्योंकि अगर मेरे बाद युविका के लिए इस परिवार में कोई मायने रखता है तो वो आप है दादा बाबू। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो भूमि, युविका की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। उन बदजातों ने मेरे परिवार पर हाथ डाला है, मेरे घर की इज्जत पर हमला किया है। किसी की क्या मजाल जो महाजन परिवार पर आघात लगाए। मैं इसका अंत करके रहूंगा। मैं कल ही कमिश्नर से बात करूंगा। डीजे, युविका को तुम एक कोई छुई मुई सी लड़की मत समझो। उसके इरादे मजबूत है, उसमें हिम्मत है, उसमें लगन है। यू नो, ऐसी लड़कियों को तोड़ना, उसके लिए तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे? उसे ऐसी जगह मार दो जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। अब तक तुम उसे प्रोफेशनली हराना चाह रहे थे। अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, युविका को उसके पर्सनल फ्रंट पे मात दो। प्रोफेशनली अपने आप ही हार जाएगी। उसका दिल किसके पास है? इसके? कार्तिक के पास। गेट दैट? कार्तिक को इस्तेमाल करो, उसे फांसो, उसे ऐसा फांसो कि युविका और कार्तिक जल्दी जल्द शादी कर ले। जब शादी कर लेंगे तो कार्तिक युविका को यहां से हमेशा के लिए ले जाएगा। गुड। और इसे बस ऐसे शादी करके जाने दो, उससे मेरे मन को शांति कहां मिलेगी? मॉम, मुझे मुझे नागर्स को बर्बाद करना, युविका को बर्बाद करना। मैं कार्तिक को इस्तेमाल करूंगा, उसे मैनिपुलेट करूंगा, इस तरह की उसका और युविका का जो रिश्ता है वो बद से बदतर हो जाए। मुझे युविका को, उसके दिल को, उसकी दुनिया को
चूर चूर होते हुए देखना है। I like that. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।